द लोकल इंडिया देखने वाले सारे भाइयों ने धर्मवीर मोरगी राम राम। आज भाई वाले वहाँ खड़े हाँ, बस स्टैंड अपने सामने है। और अगर इधर देखे आप कैमरे वाले इधर दिखा दे, आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर है, यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है। और सरकारी हॉस्पिटल और बस स्टैंड इनके बीच का अगर दायरा हम देखा तो 20-30 मीटर का है सारा। और बीच में जो हाईवे के ऊपर डिवाइडर है वहाँ ना तो बस स्टैंड के सामने कट है और ना हॉस्पिटल के सामने। बाई चांस अगर रॉन्ग साइड से कोई मरीज आ जाता है एम्बुलेंस में तो उसको जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो हम सरकार से यही करेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, हाईवे बना दिया, रोड बना दिया, बस स्टैंड भी बना दिया, सारी सुविधा पब्लिक को दे दी, लेकिन एक कट ज़रूरी होना चाहिए, उसमें आम जनता को सुविधा होती है और दुर्घटना नहीं हो सकती। और इस तरह का अगर माहौल रहा तो यहाँ दुर्घटना होने के काफ़ी चांस है। जैसे अगर असंध साइड से जो भी बस आती है वो अगर वहाँ हम देखें तो रोंग साइड से बस चली जाती है, और जींद की साइड से सही बस आ रही है लेकिन आमना सामना तो हो रहा है उनका, तो उनको थोड़ा सा ये कट कर देना चाहिए। यहाँ एक कट अवश्य हो और उधर भी वहाँ भी कट होना चाहिए, दोनों के सामने कट होना चाहिए ताकि असंध वाली बस सीधी उस कट से बस स्टैंड के अंदर चली जाए और जींद वाली बस जो है वो सही आ रही है। तो यहाँ दिखा दो एक बार, ये हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे अच्छी खासी अलेवा में जो जींद का सामान्य हॉस्पिटल है वो इस तरह की सारी यहाँ सुविधाएं देखने को आपको मिलेंगी। तभी पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने भारत में कई हॉस्पिटल बनाए थे, उनका नाम रखा था आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर। तो इस तरह के हॉस्पिटल है और सरकार से बार बार एक ही विनती है कि यहाँ पे कट ज़रूर होना चाहिए। इस तरह की वीडियो हमने एक और बनाई थी, उस पर हमारी वीडियो पे कोई भी ध्यान नहीं दिया था। और दर्शकों को भी अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप चाहते हो कि हमारे यहाँ पर ये सुविधा हो, कट की सुविधा हो, क्योंकि जो व्हीकल है उनको आने जाने में दिक्कत होती है, रॉन्ग साइड ज़्यादा आते हैं तो फिर रॉन्ग साइड आएंगे तो दुर्घटना होने के भी खतरे हैं। राम राम, जय हिंद।